सब बच्चे रुको, रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया बच्चों, हाँ है ना? ओके, तो बच्चों सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। सो बच्चों, बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो एल्डोल क्रॉस एल्डोल रिएक्शन से पढ़ने वाले हैं, है ना? क्रॉस एल्डोल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक बच्चों, ये जो टॉपिक से बच्चा, ये आपका काफी ज्यादा आईएमबी टॉपिक है, ये बच्चा आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों, अगेन ये मैंने आपको कल करा था, वापस से करा रहा हूँ। अब ऐसे कुछ हो, जब भी आपको ना इस टाइप क्वेश्चन दिखाई दे जहाँ पे आपको बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन दिखे, तो वहाँ बच्चा आप सोचो वहाँ पे आपका बहुत सारा पार्ट आपका खत्म, मतलब चैप्टर रिवाइज हो जाता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे लिखा है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, तो सबसे पहले तो बच्चा आपको इसका ना स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो स्ट्रक्चर कैसे बच्चों, ये बना आपका साइक्लोहेक्सेन, ये बना आपका साइक्लोहेक्सेन, और ये बना ऊपर बना कार्बल्डिहाइड, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन कार्बल बन गया। अब देखो पहला आपका है रिग्नार्ड एजेंट वाला, ये आपका चैप्टर रिवर्स हो गया, तो रिग्नार्ड एजेंट आ गया। फिर आपका एडिशन रिएक्शन आ गया, दैट इज सेमी कार्बाजाइड आ गया। फिर आपका अगेन एक नेम रिएक्शन आ गया, दैट इज वो क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना? फिर आपका टोलन रिएजेंट आ गया, और फिर क्या बच्चों, ये लिखा है बच्चों यहाँ पे लिखा है एक्सेस, यहाँ पे लिखा बच्चों एक्सेस इथेनॉल, दैट इज सी एस थ्री सी एस टू ओ एच, ठीक है ना? एंड एसिड, एंड एसिड लिखा है। अब बताओ बच्चों ये कौन सा रिएक्शन है, हम इसमें क्या बना पाएंगे, बताओ बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, इसको आइडिया है? अगर मैंने ये एक्सेस एसिड डाल दिया और यहाँ पे मेरा आपका कार्बल्डिहाइड बेंजीन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड है, तो क्या बनेगा, किसी को आइडिया बच्चा, हाँ है ना? कुछ समझ में आ रहा है क्या हो सकता है यहाँ पर, किसी बच्चे को कुछ आइडिया लग रहा है? ओके, आगे स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखो बच्चा, जब भी देखो, जब भी आपको ऐसे कुछ नया क्वेश्चन दे जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा बच्चों, तो आपको वहां पे चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। तो नियर कोई बात नहीं, आप समझो यहाँ पे लिखा है एक्सेस अल्कोहल, इथेनॉल आपका अल्कोहल है। अब देखो बच्चों, ऐसा कौन सा रिएक्शन था बच्चा जहाँ पे हमने एक्सेस अल्कोहल हमने यूज किया था, एक बार उसको देखते हैं बच्चा, तो आपको याद आएगा, हम पिज जाते हैं तो आपको और पता चलेगा। ये दिख रहा है, ये देखो, हाँ जी सर, ये देखो, ये क्या देखो, देखो ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका अल्कोहल है, और ये भी आपका अल्कोहल, ये क्या बच्चों, ये आपका एसिड है, ये आपका एसिड से एस्पेस आता है। तो हमें क्या बच्चों, हमें बनाना एस्टर बनाना है, हमें यहाँ पे एस्टर बनाना है। तो क्या बच्चों होगा, आपको ये ध्यान है बच्चों, हमें हमें वहाँ पे वाटर निकालना पड़ेगा, और आपका वहाँ पे दो आर जुट दो आपका ओ जुट जाएगा। तो कैसे बच्चों, देखो इसका दिमाग लगाना चाहिए, देखो तो ये हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे ध्यान दो सर, ये एक्सेस तो था ही नहीं। अरे आपका जो आर ओच, जो आपका अल्कोहल है, वो बार बार आ रहा है ना, पहले रिएक्शन में आपका अल्कोहल आया, फिर दूसरे भी आपने अल्कोहल आया। देखो अगर आपका कभी भी रिएक्शन में आपको दो चीज बार बार दिखाए, तो आपको वहां पे उसका उसका मतलब आपको एक्सेस समझना पड़ेगा, तो वो ज्यादा है करके ऐसा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो इसको मैं सीखता हूँ बच्चों, उसको मैं सीखता हूँ, दैट इज ओ एच सी एस टू सी एस थ्री, ये आ गया। तो अगर यहाँ पे दूसरा मैंने अल्कोहल डाला, कि बिकॉज यहाँ पे ये पार्ट था बच्चा, अब क्या होगा होगा देखो, अभी आपका बॉन्ड ऐसा हो कुछ होगा, ये आपका अल्कोहल को मैं एल्डिहाइड को मैं नीचे लेके आता हूँ, अब क्या होगा, हमें निकालना है वाटर। तो वाटर कैसे निकले बच्चों, से निकलेगा यहाँ से ओ निकालो, यहाँ से दो एच निकाल दो, क्या बन गया, ये आपका वाटर बन के बाहर निकल गया, राइट? अब क्या होगा, अब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, कैसे बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड बनेगा बच्चों, अब आपका ऐसे बॉन्ड होने वाला है, ऐसा बनेगा बच्चों, ये बना साइक्लोहेक्सेन, ये सी और एच आ गया। अब क्या है बच्चों का, अब आपका ओ आर, देखो ये देखो, ये आपका ओ आर है, ये आपका ओ आर है, इसको जोन होगा, ओ सी एस टू सी एस थ्री, ये बना ओ सी एस टू सी एस थ्री प्लस एच टू ओ, तो क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका, क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका एस्टाल, ये आपका एसिटाल, ये आपका एस्टर बन गया। अब देखो
लेकिन बच्चों इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम ये तो नहीं आएगा, इसका आईपीएस नहीं भी होगा बच्चों, तो इसका नाम जो ये बहुत मस्त है। अब ये क्या, तो ये क्या था बच्चों, ये पूरा क्या था, ये पूरा आपका साइक्लोजिन था। तो यहाँ पे लिखो साइक्लोहेक्सेन, यहाँ लिखो साइक्लोहेक्सेन। हमने क्या ऐड किया बच्चों, हमने ऐड किया एल्डिहाइड डाला था तो बना साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका डाइथाइल है, ये आपका इथाइल है और ये आपका इथाइल है। तो क्या बना बच्चों, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड डाई इथाइल एसिटाल, तो ये इसका नाम आ जाएगा। अब हो गया ना बच्चों, अगर मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बच्चा को सोचा कि मुझे बनाना है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड डाइथाइल एसिटाल बनाना होगा, वो बच्चा डर जाएगा यार ये नाम कैसे करूं, है कि नहीं। तो नाम नाम ही अलग अलग लग रहा है, तो समझना है। हाँ वो आपका एसिटाल तो है, लेकिन आपको माइंड में पता चलना चाहिए कि मैं क्या बना रहा हूँ। तो क्या बना बच्चों, ये बना आपका साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड डाई। अब देखो हम वहां पे एस्टर बना तो कुछ नहीं करना, देखो ये आपका इथाइल है ना, तो आपके लिखो बच्चों यहाँ पे लिखो डाई इथाइल एस्टाल, सिंपल इतना आपको करना है। आई होप सब बच्चों समझ में आ रहा होगा बच्चों, यस या नो? यस सर। हाँ कैसे बोलो सर, इसके अंदर सर CHO को हम कार्बल्डिहाइड बोलते हैं ना? हाँ कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड सर। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड में एक बेंजीन रिंग, मतलब वो सिंपल रिंग आ गई और CHO आ गया, बाकी डाइथाइल एसिटाल में CH2CH3CH2CH3 आ गया, तो एक ओ तो रह गया, उसका क्या होगा? अरे आप कार्बल्डिहाइड के देखो हमने इससे बना ना, इससे इसका नाम आ गया साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड डाइथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल डाइथाइल एस्टर, ये हमने बनाया है, तो हमने बच्चे एस्टर बनाया, तो एस्टर आपका ऐसा होता है दैट इज आर सी एच ओ आर और ओ आर, इससे क्या कहेंगे बच्चों, हम इसे कहते हैं हम इसे एसिटाल कहते हैं, बस और कुछ नहीं, इतना आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई बात नहीं। अगर आपको फिर कोई डाउट है तो कोई बात है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? एट द एंड ऑफ क्लास में बच्चों वापस में आपको पूरा उसको वापस में आपको पूरा प्रॉपरली यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, डोंट, ठीक है ना? अब देखो अभी हम पढ़ने वाले हैं एल्डोल कंडीशन, रिएक्शन विद द अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो बच्चों सबसे पहले जब भी आप पढ़ोगे एल्डोल कंडीशन में, तो सबसे पहले बात क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे आपका अल्फा, यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो आपका एल्डोल रिएक्शन नहीं होगा, तो ये बच्चा आपका प्रॉपरली पता होना चाहिए, ठीक है ना? फिर दूसरा क्या पता होना चाहिए बच्चों, ये आपका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए बच्चों, जब भी आप रिएक्शन करोगे, जब भी आप रिएक्शन करोगे बच्चों आपको लेना पड़ेगा बेस, आपको है ना बेस लेना पड़ेगा। अब बेस क्या होगा बच्चों, होगा या तो होगा NaOH, या तो होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या तो होगा बच्चों बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस होगा। इससे क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। हमारे बच्चों बेसिकली बच्चा क्या है, हाँ तो कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ भी यहाँ पे आप ध्यान रखो, यहाँ पे बताओ ध्यान रखो, ठीक ना? तो यहाँ पे बेस आना चाहिए, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों। फिर आपका बेस आना चाहिए, बेस क्या बच्चों, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा या तो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आएगा। मोस्टली आप है ना आप इन दोनों को देखो, आप इन दोनों ज्यादा देखोगे। अब क्या बच्चों का, जो भी आप लोगे, चाहे आप एल्डिहाइड लो चाहे आप कीटोन लो, उसका कितना बोलोगे बच्चों, उसका आप दो मोल, आप है ना उसका दो मोल लोगे, आपको है ना 2 मोल एल्डिहाइड लेना है या तो कीटोन लेना है, ये आपका तीसरा कंडीशन हुआ। चौथा कंडीशन क्या बच्चों, चौथा कंडीशन ये होगा बच्चा कि जब आप आंसर लिखोगे तो क्या होना चाहिए बच्चों, आपका जो अल्फा कार्बन है वहां पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, और जो आपका बीटा कार्बन होगा वहां पे आपका OH ग्रुप होना चाहिए। अल्फा कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, बीटा कार्बन में OH होना चाहिए। फिर पांचवा स्टेप में क्या बच्चों का, अगर आपको दिया गया होगा कंडेंसेशन, मतलब क्या बच्चों आपको वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना पड़ेगा, और क्या बने बच्चों वहां पे आपका अल्फा और बीटा कार्बन में आपका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये बच्चा ये आपका 5 कंडीशन है आपको एल्डोल पहचानने के लिए। पहला आपका जो भी रिएक्शन होगा उसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है।
दूसरा आपका बेस दिया होना चाहिए। तीसरा बच्चों, जब आप रिएक्शन करना स्टार्ट करोगे, आप जो भी आप एल्डिहाइड लोगे या कीटोन, आपको उस काम पे 2 मोल लेना पड़ेगा। चौथा क्या बच्चों, जब आंसर लिखोगे, आपका अल्फा में आपका एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, बीटा में आपका ओएच होना चाहिए। फिफ्थ क्या बच्चों, अगर आपको रिएक्शन में लिखा होगा बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन, तब बच्चों वहां पे आपका, तब वहां पे बच्चों वहां पे आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है और अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? अगर आपका अगर हमने एल्डिहाइड लिया है तो उसे हम बोलेंगे एल्डोल, अगर हमने कीटोन लिया तो हम बोलेंगे कीटोल, अगर हमने एल्डिहाइड लिया तो हम उसे एल्डोल कहेंगे, अगर मैं कीटोन लिया तो हम उसे कीटोन कहेंगे। तो ये बच्चा आपको पता होना चाहिए। अब देखो लास्ट स्टेप के लिए लिखा, तो लिखा लिखा ध्यान दो क्या लिखा है। यहाँ पे ये लिखा गया है, एल्डोल एंड कीटोन रेडिली लूसेस वाटर टू गिव अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। अब यहाँ के लिखे बच्चों, यहाँ पे लिखा है अनसेचुरेटेड, इसका मतलब क्या हो जो ये आपका डबल बॉन्ड बनेगा। आपको हमेशा ध्यान है बच्चों, जहां पे आपको लिखा होगा अनसेचुरेटेड उसका मतलब होगा या तो डबल बॉन्ड या तो आपका ट्रिपल बॉन्ड। मेजर आपको इतना समझ में आना चाहिए। इतना पार्ट समझ में बच्चों आया? इसको बच्चों प्रॉपर नोट करो, फिर हम यस आपका सर, फिर हम रिएक्शन करेंगे। डन सारे बच्चे? पक्की बात आ रहा है सबको अच्छे से? यस सर। अब देखो, अब देख बच्चों, ये आपका रिएक्शन, ये बच्चा आपका रिएक्शन है। अब देख बच्चों, ये ध्यान दो, मैं आपको जिस पर ध्यान ध्यान समझो क्या बात है। देखो ये आपका एसिटाल्डिहाइड, दैट इज ये पार्ट बच्चों, दैट इज CH3CH2। तो ये ऐसा होगा बच्चों, होगा दैट इज CH CH CH। अब ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, दैट्स एल्डिहाइड। ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, अगर आपका अल्फा कार्बन है तो आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना सारे बच्चे? हाँ जी तो करने का बच्चों, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन रिजन है। मैंने कहा बच्चों आपको लेना 2 मोल, आपको वहां पे 2 मोल लेना है, तो क्या करो बच्चों, मैं यहाँ पे दूसरा मोल ले लूंगा, दैट इज 2 मोल्स ऑफ CH3CH2। अब देखो अभी मैं आपका रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान समझ में कैसे कर रहा हूँ। पहले मैंने ये लिखा बच्चा, दैट इज CH3C(OH), ये लिखा मैंने पहले लिखा बच्चों, फिर मैं लिखा दैट इज CH3CHO से लिखा, फिर ये मैंने दूसरा लिखा, ये पहला मोल दूसरा मोल। अब क्या डाला बच्चों मैंने रिएक्शन में, डाला मैंने रिएक्शन में डाला बेस, मैंने रिएक्शन में बेस डाला, NH बेस है। अब बेस से करता बच्चों, मैंने क्या बोलता, बेस या तो न्यूक्लिफाई करेगा या तो वो न्यूक्लिफाई, ये आपका न्यूक्लिफाई बच्चों OH माइनस है, तो या तो अगर न्यूक्लिफाई वो बेस होगा, बेस क्या होगा बच्चों, अगर वो आपका हाइड्रोजन निकाल दे रहा है तो क्या बच्चों होगा, यहाँ पे जो आपका बेस होगा दैट ये क्या करेगा बच्चों, ये जो आपको OH माइनस है, ये आपका यहाँ से आपका H+ निकालेगा, कहाँ से बच्चों, CH3 से निकालेगा, मतलब दैट इज आपका अल्फा कार्बन से H+ निकालेगा, तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका ऐसा बन जाएगा, दैट इज CH2- बनेगा। बनेगा नहीं बने बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले 3 कार्बन था, एक एच निकाल दिया, राइट, अगर आपका H+ जा रहा है तो कार्बन पे क्या आएगा बच्चों, कार्बन पे आएगा नेगेटिव। नेगेटिव बना बच्चा? हाँ या ना? यस सर। अब देखो अब ये क्या बना बच्चों, अब ये जो बना बच्चों, ये बना, ये आपका अब ये आपका न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट करेगा, क्योंकि आपका सी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ये पार्ट बनेगा। अब क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, कैसे होगा, ऐसा बनेगा बच्चों, दैट इज ओ नेगेटिव सी पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये जो ये पूरा पार्ट है ये आपका यहाँ पे अटैक हो जाएगा, तो जैसे अटैक तो क्या बना बच्चों, ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा, ये आपका ऐसा कुछ बनेगा, देखो ये आपका ऐसा बनेगा, दैट इज CH3 CO-, ऊपर था ओ नेगेटिव था, यहाँ पे एच आ गया, अब इस कार्बन नेगेटिव में कार्बन पॉजिटिव बॉन्ड में, तो ये सब बच्चे बना बच्चों, ये बना ऐसा, दैट इज CH2, और ये क्या बच्चों यहाँ पे ये आपका है CHO।
अब क्या हो चुका, अब रिएक्शन में आपका H प्लस भी होगा, रिएक्शन में आपका H प्लस दिया होगा बच्चों, एसिड H प्लस दिया होगा बच्चों, होगा रिएक्शन में आपका H प्लस आएगा, ठीक है ना। अब क्या हो चुका, ये H प्लस यहाँ पर चला जाएगा, तो क्या बना बच्चों, ये सब बन गया, दैट इज सी एच थ्री सी ओ एच एच सी एच टू सी एच ओ, बना बच्चा, हाँ या ना बना? बीटा में वो जुड़ा है और यहाँ पे बना, तो क्या बना बच्चो, ये ऐसा बना, तो ये आपका आंसर, आप इसको ऐसे लिखोगे, दैट इज सी एच थ्री सी एच ओ एच सी सी एच टू एंड सी एच टू, तो क्या बना बच्चों, ये बन गया एल्डोल, ये बन गया आपका एल्डोल, ये आप इसको एल्डोल बोलोगे। अब क्या बच्चों का, जैसे मैं इसमें थोड़ा सा हिट करूंगा, जैसे मैं आप थोड़ा हिट, क्या बच्चों, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपका आंसर क्या बच्चों, आपका आंसर ऐसा बन जाएगा, दैट इज सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ, ये आपका बन गया एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो पहले हमें कितना मोल था बच्चों, दो मोल था, देखो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, तो एक मोल में दो कार्बन है तो दो मोल में चार कार्बन आएगा, तो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन और ये चार कार्बन, तो क्या बना बच्चों, यहाँ पे आपका कंपाउंड में कार्बन में बैलेंस हो गया, तो ये क्या बना बच्चों, ये आपका एल्डोल आंसर बना। आई होप सबको समझ आया होगा बच्चों हमने कैसे किया, ये आपका एल्डोल कंडीशन है, सबको समझ आया बच्चों? यस सर। तो सारे बच्चे प्रॉपरली इसको बच्चा नोट डाउन कर लो, सारे बच्चे इसको प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन कर लो। तो मैंने क्या बच्चों, मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड का मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, मैंने क्या इसका मैंने यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन किया। अब देख बच्चों, अगर सब बच्चों इसको नोट डाउन कर लिया तो फिर मैं आपको यहाँ पे मैकेनिज्म बताऊंगा, एक बार सारे बच्चे प्रॉपर इसको नोट डाउन कर लो, कम ऑन। बेस ने एक एल्डिहाइड में से एच प्लस निकाला, बना सी नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल बना, दूसरा एल्डिहाइड था वहां पे आपका सी नेगेटिव सी पॉजिटिव ओ नेगेटिव बना, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, बॉन्ड बना आपका बीटा कार्बन ओ आया, हिट किया वाटर निकला, ये बन गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन, ऐसा हमने किया। समझ में बच्चों सबको, हाँ या ना? और हाँ yes, sir. ये जो क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड में तो आपका 100% पूछा जाएगा, यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ही है, 100% लिख लो, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, या तो एल्डोल पूछेंगे या तो कैनिजर पूछेंगे। अब देखो बच्चे इसका मैकेनिज्म, ये देखो ये आपका पहला स्टेप है, पहला स्टेप में क्या पूछो, जो आपका बेस था, बेस ने एच प्लस निकाला, तो बेस जैसे आपका एच प्लस निकाला तो क्या बना बच्चों, ये बन गया कार्बन पे आगे नेगेटिव चार्ज। अब ये पूरा पार्ट क्या बना बच्चों, ये बना आपका न्यूक्लियोफाइल जैसे ऐड किया। अब क्या बच्चों, आपने दूसरा एल्डिहाइड लिया, क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बना ओ नेगेटिव, ये बना सी पॉजिटिव। अब ये जो सी एच नेगेटिव था ये आपके यहाँ पे अटैक किया, तो ये आपका यहाँ पे ओ एच आ गया। अब ओ एच से बच्चों क्या रिएक्शन, वाटर भी होगा, पानी होगा, एच प्लस होगा, तो यहाँ से एच प्लस निकाल दिया, यहाँ से इसने एच प्लस निकाल दिया और यहाँ पे क्या बना चाहिए, बन गया आपका 3-hydroxybutanol। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ये आपका 3-hydroxybutanol बन गया। अब क्या हो चुका, अब यहाँ पे दो एच है, मैं इसको यहाँ पे एच लिखा, यहाँ पे मैं एक ही चीज कर देता हूँ, आपने हिट किया, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, तो क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका एल्डोल कंडीशन बन गया। दो लिखा बच्चों, ये दिखा है, दैट इज एल्डोल रैपिडली अंडरगो डिहाइड्रेशन ऑन हीटिंग एंड अनफॉर्म्स अल्फा बीटा अनसैचुरेट एल्डिहाइड, तो क्या बना बच्चों, ये यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, तो ये आपका बन गया और वाटर बन गया। अब देखो क्या बना बच्चों, इसका नाम क्या है, इसका नाम है
ब्यूटूइनॉल। अब इससे कॉमन नेम क्या बच्चों, क्या कॉमन नेम क्या है इसका, नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड। तो ये बच्चों ये भी आपका जे एग्जाम में इसको नोट करना, किसका नाम होता है इसको आप नोट कर लेना कि जो आपका ब्यूटन टूइनॉल है वही आपका क्रोटोन एल्डिहाइड है, क्रोटोन डिहाइड है, क्रोटोन डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड, ऐसा बात। बस पढ़ा बच्चों सभी को कि हमने कैसे किया सारे बच्चे, ओके बच्चे देखो अब बच्चों हम इसको वापस रिवाइज करते हैं, हम इसको वापस रिवाइज करते हैं। सपोज कर बच्चों आपको ये दे दिया, दैट इज आपको ये दे दिया CH3 CH2 CHO। ये क्या बच्चों, ये आपका प्रोपेन नाल है। वेग बेटा आप ध्यान समझो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको दूसरा एग्जांपल है CH3 CH2 CHO, ठीक है बच्चा। हम इसका दो मोल लेंगे, मतलब कि दो ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे CH3 CH2 CHO ये बना। अब क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन बच्चा? तो हाँ बच्चों, यहाँ पे आपका ये आपका अल्फा कार्बन है और आपका अल्फा हाइड्रोजन भी है। अब क्या बच्चों आएगा, अब आपका आएगा OH बेस आएगा। बेस करें बच्चों आप दोनों में से किसी में से भी, आप कह रहा आप यहां से H+ निकाल लो, आपका बीटा हाइड्रोजन बीटा H+ आपका H+ निकाल लो, तो क्या बना चो ये आप कैसा बनेगा? तो जैसे आपने H+ लिया तो क्या बना चाहिए, आप कैसा बन जाएगा? CH नेगेटिव बनेगा, हाँ है ना बच्चों? यस से नो बनेगा, यस सर। आपको आपको हमेशा ध्यान है बच्चों, आपको ना अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, बिकॉज वो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक है, वो जल्दी निकल जाएगा। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका एल्डिहाइड है, तो इसको ऐसा, इसको ऐसे ओ बच्चों, दैट इज CH3 CH2 C OH। अब क्या हो चुका, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बच्चा, ये बना नेगेटिव और ये बना पॉजिटिव। अब क्या हो चुका, ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बना जैसे बना बच्चों, दैट इज CH3 TH2 CHO नेगेटिव। अब ये पूरा पार्ट यहाँ पे अटैक करेगा, तो एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना, कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, कार्बन के राइट पे एक एल्डिहाइड बच्चों, तो यहाँ पे आप एल्डिहाइड लिख दो, यहाँ पे एल्डिहाइड लिख दो बच्चों, और उसी कार्बन के बच्चों आपके एक मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे आपका मिथाइल भी आ गया, ठीक है बच्चे। देखो CH3 TH CHO, तो ये आपका पूरा लाइन में ही वाला पार्ट है। अब क्या हो चुका, अब आपका वाटर वाटर होगा, तो वाटर क्या, वाटर से H+ OH- निकलेगा, तो यहाँ पे ये अटैक कर जाएगा, तो क्या बने बच्चों, ये आपका कैसा बन जाएगा, दैट इज CH3 CH2 CH OH CH CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CHO। अब क्या हो चुका, ये बना आपका एल्डोल। अब जरा आप थोड़ा इसमें हीट करो, थोड़ा गर्म कर दो, तो क्या बच्चों, ये आपका वाटर मोल रिमूव करेगा। मैंने क्या बताया आपको, बोलता अल्फा और बीटा में आपका डबल बॉन्ड आएगा, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, अल्फा से हाइड्रोजन जाएगा, बीटा से ओएच जाएगा, तो यहां से ओएच गया, यहां से एच गया, वाटर बन गया, अल्फा और बीटा में आपका कार्बन आपका डबल बॉन्ड आ गया, तो ये आपका कैसा बन जाएगा, दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड सी। आपके बच्चों यहाँ पे एच चला गया, अब मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल डाल दो और यहाँ पे आपका CHO लिख दो, या आप यहाँ पे आपका CH लिख दो, तो इसको चेन फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों, चेन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, चेन फॉर्म में इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिखा, दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड सी CHO और यहाँ पे आ गया CH3। तो ये मैंने आपको लॉन्ग फॉर्म लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा बच्चा कि हम कैसे कर रहे हैं, बेस से yes, निकल रहे हैं, बेस आपके एच पे निकल रहा है, सिंपल बना, अटैक किया, ओ के पास एच गया, अल्फाबेट वाटर निकला और आपका कार्बन कार्बन में आपका डबल बॉन्ड बन गया। तो ये क्या बच्चों, ये आपका
एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। आई होप सब कुछ समझ आ रहा है बच्चों। जस्टिका दिया मुतिल वन सर यस सर सर इसका पूरा यस सर। अब इसका पूरा नाम क्या आएगा? अब देखो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 कार्बन है ठीक है ना। तो नाम क्या है बच्चों? अब बोलोगे 2 मिथाइल पेंट टू इन आल, इसका नाम आ जाएगा 2 मिथाइल है पेंट, 5 कार्बन है, सेकंड पे इन है तो 2 मिथाइल पेंट टू इन आल, तो नाम ये इसका नाम आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों हमने कैसे किया? हमने यहाँ पे प्रोपेनॉल यूज किया। तो ऐसे बच्चे आपको समझना है। तो सारे बच्चे प्लीज प्रोपेनॉल ढूंढो के बच्चों, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों काफी ज्यादा आईएमपी प्लीज समझो। अभी बच्चों ये देखो ये क्वेश्चन आपको कराया भी, देखो ये दिख रहा है यस सर। अब देखो यहाँ पे ये तो आपका आ गया क्रॉस एल्डोल। अब होता है बच्चों जो आपका एल्डोल कंडीशन है हम उसे सेल्फ एल्डोल कहते हैं, हम उसको सेल्फ एल्डोल रिएक्शन भी कहते हैं। कि बच्चों ये देखो अगर ये आपस में खुद से रिएक्ट किया तो ये बनेगा, अगर सी एच खुद से बना रिएक्ट करता तो ये सब बनेगा। ये आपका इथेनॉल है, इथेनॉल आप खुद से रिएक्ट करता है तो ये आपका ये बनाएगा। यही था ना बच्चों 2 मिथाइल पेंट 2 इनॉल बना, आया ना बच्चा? आपस में खुद से रिएक्ट किया ये आपको समझना है। डन सारे बच्चे? हाँ ना yes, sir. सर हम दो डिफरेंट को नहीं रिएक्ट करवा सकते, वही तो है। हाँ वही तो है ना, वो तो दिया ना, ये आपका दिया क्रॉस एल्डोल, ये आपका दिया क्रॉस एल्डोल। तो अब क्या होता है इसमें दो अलग होते हैं। हाँ इसमें दो अलग आएगा बच्चे, देखो एल्डोल कंडीशन कैन बी टेक बिटवीन द टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल और मिक्स एल्डोल कंडीशन। This reaction is not very useful for the mixture because हम उसको अलग करना पड़ेगा तो आपका क्रॉस एल्डोल बनता नहीं। अब देखो अगर मैंने इथेनॉल और प्रोपेनॉल को मिक्स किया तब क्या आंसर बने बच्चों? तब आपका ये आंसर बनेगा, तब आपका और या तो आपका ये आंसर बनेगा। अब इसे शॉर्टकट से देखो यहाँ पे आपका 3 कार्बन है, यहाँ पे आपका 2 कार्बन है। क्या करो बच्चों आप क्या करो, आप है ना 5 कार्बन चेन बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका शॉर्टकट मेथड है याद करने का। ये आपका इथेनॉल है जिसमें 2 कार्बन है, ये आपका प्रोपेनॉल है जिसमें आपका 3 कार्बन है, टोटल 5 कार्बन आ गया, 5 कार्बन लॉन्ग बना दो। पहले कार्बन क्या करो बच्चों, पहले कार्बन ऐड कर दो एल्डिहाइड, तो यहाँ पे आ गया CHO। अभी आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में ऐड कर दो 2H, बीटा बचा, बीटा में ऐड कर दो OH, बिकॉज आपका बीटा में आपका OH आता है, बीटा में आपको OH आता है तो यहाँ पे H और ऐड कर दो, बाकी सब बैलेंस कर दो H, H और यहाँ पे आ गया CHH और यहाँ पे आ गया। अब करने के बच्चों अभी आपको इसको हीट करना है तो क्या हो चुका, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या बना बच्चों यहाँ पे आपका आ गया डबल बॉन्ड, तो क्या बना ये आपका पेंट टू इनॉल बन गया। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड है, आप ऐसा आप एग्जाम में थोड़ा सा खेल सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं यार बच्चों? इसका अगर मैं इसका शॉर्टकट ही बताता हूँ, CH3CHO, मान के चलो आप एग्जाम में मैगनीशियम भूल गए, मान के चलो एग्जाम में मैगनीशियम भूल गए, इसका 2 मोल लेना है तो 4 कार्बन आ गया, तो 1 कार्बन 2 3 और ये 4 कार्बन। अरे जगह नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेता हूँ 1 2 3 4, ये मैं आपको शॉर्टकट मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। 4 कार्बन बना लो, पहले कार्बन डाल दो एल्डिहाइड, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, बीटा में ऐड कर दो OH, बाकी सब वैलेंस फिल कर दो बच्चों, यहाँ पे H आ गया H और यहाँ पे H और यहाँ पे भी H, ये बन गया आपका आंसर।
अब हीट कर दो, वाटर निकाल दो, क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, आ गया आपका आंसर। चार कार्बन बीटा पे आपका अल्फा, आपका अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन है। तो आपको अल्फा में एच, आपको अल्फा में ये आपका अल्फा कार्बन है और आपका बीटा कार्बन है। आपको हमेशा ध्यान बच्चों, आपको आपका बीटा कार्बन आपका HOH होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। आई होप सब क्वेश्चन आ रहा हो बच्चों, यस या नो आ रहा है? यस बिल्कुल सर, यस सर। तो ये क्या हो बच्चों, ये आपका हो गया एल्डोल कंडीशन। अब क्रॉस एल्डोल में क्या आता है बच्चों, क्या आएगा बच्चों क्रॉस एल्डोल में, क्या आएगा बच्चों, आएगा बच्चों आप बोलोगे ये आपका रिएक्शन मिक्सचर होगा। देखो बच्चों, आपको मैकेनिज्म प्रॉपरली आना चाहिए। अगर आपने मैकेनिज्म सीख लिया, बेसिक क्वेश्चन है, तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर लो, आप कोई भी क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। आप हम अभी करने वाले हैं तो आपको समझ में आएगा। तो ये आपका क्रॉस, ये आपका क्रॉस एल्डोल है, समझ मारे बच्चों? हाँ है ना? Yes, yes, yes. अब देखो ये आपका, देखो ये आपका कीटोन है, देखिए बच्चों, देखो ये आपका बेंजल डिहाइड है, ये आपका बेंजल डिहाइड है, ये आपका एसिटोफिनोन, ये आपका एसिटोफिनोन है, बेंजीन में COCH3। अब क्या बच्चों, अब देखो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन बेंजीन नहीं, क्यों? देखो यहाँ पे ये आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये कार्बन है, तो कार्बन तो चार बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपका ये आपका एच प्लस नहीं देगा, ये आपका एच प्लस नहीं देगा। कौन एच प्लस देगा, एच प्लस देगा बच्चों? आप बोलोगे ये आपका एच प्लस देगा, क्यों बच्चों? ये आपका फंक्शनल है, ये आपका अल्फा कार्बन है, अगर आपका अल्फा कार्बन है तो आपका अल्फा अल्फा हाइड्रोजन भी होगा। अब क्या बच्चों का बेस है, यहाँ से OH निकालेगा तो बना यहाँ पे CH2 नेगेटिव बना, तो ये पूरा पार्ट फिनाइल है, तो इसको मिलता pH CHO प्लस, यहाँ पे तो मैं pH CO CH2 नेगेटिव, ऐसे मिलता हूँ, बिकॉज आपको समझ में इजी होगा। ये आपका ऐसा बने बच्चों, C डबल बॉन्ड O H, ये आपका एल्डिहाइड है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो ये बना O नेगेटिव, ये बना C पॉजिटिव, ठीक है ना? अब क्या होगा बच्चों, यूनिक्लोफाइल है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बच्चों ऐसा बनेगा pHCO-, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे ये पार्ट आ जाएगा, दैट इज CH2CO pH, मतलब कि आपका बेंजीन वाला समझो, ठीक है ना, ये आपका बेंजीन सोचो। अब आपका रिएक्शन में वाटर होगा, वाटर ने एच प्लस लिया तो क्या बना, ये बन गया, ये आपका बन जाएगा, ये आपका बना एल्डोल बन गया। अब देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, तो क्या होगा, होगा बीटा से OH जाएगा, अल्फा से H जाएगा, तो उसको मैं लिखता बच्चों यहाँ पे H लिखा, तो ये आपका ऐसे पानी निकल गया, तो क्या बना बच्चों, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड बना, pH CH डबल बॉन्ड CH CO pH, मतलब यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन, तो क्या बना बच्चों, ये आपका आंसर बन गया। तो बच्चों देखो ये पूरा सेम है ना, ये पूरा आपका सेम है, देखो जरा, हाँ है ना बच्चों? यस सर, सेम है। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, कहने का मतलब ये आपको रिएक्शन समझ में आना चाहिए कि बेस कर क्या रहा है, अटैक कहाँ पे कर रहा है, वाटर कैसे निकल रहा है। अगर आपको पता चल गया तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाला। हाँ, अब इसका नाम पता होना चाहिए बच्चों, नाम क्या बच्चों, देखो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, और यहाँ पे आपका तीन कार्बन, ठीक है बच्चा? तो वन पे क्या बच्चों, वन पे फिनाइल है और थ्री फिनाइल है, तो नाम क्या बच्चों आ गया, ये आ गया 1.3 डाई फिनाइल, तीन कार्बन है तो आ गया प्रॉप, सेकंड में डबल बॉन्ड है तो आ गया टू इन, और वन फर्स्ट पे क्या, फर्स्ट पे ओन है, कीटोन ग्रुप है, तो क्या आ गया बच्चों 1.3 डाई फिनाइल प्रॉप टू इन वन ओन, ये इसका नाम आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया बच्चों, हमने ऐसा कैसे किया। yes, सारे बच्चों, yes, sir. Yes, sir. और देखो इसका जो कॉमन है, इसका yes. जो कॉमन है वो भी आपको पता होना चाहिए, नाम क्या बच्चों, बेंजाल एसिटोफिनोन,
अब बेंजर क्या होता बच्चों, जब आपका बेंजीन पे एक ही एच हो तो यहाँ पे ये आप बना आपका बेंजाल। अब ये पूरा पार्ट क्या बच्चों, ये पूरा पार्ट है एसिटोफिनोन, तो बन ये देखो ये बना आपका बेंजाल, ये आपका बेंजाल बन गया और ये पूरा आपका एसिटोफिनोन, तो क्या बना बच्चों, ये बना आपका बेंजाल एसिटोफिनोन, सिंपल। तो ये आपका रिएक्शन है। हरी, जस्सिका, अनु, शुभम, यामिनी, जिव्या, तानिया, केशव, सोना, जितने भी बच्चे हैं सबको प्रॉपर समझ आ रहा है बच्चों, हम कैसे करें? अगेन बोल रहा हूँ, अगेन बोल रहा बच्चों, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आगे ही आएगा, नोट कर लो अभी से। नहीं आया मेरा नाम चेंज कर देना, जो रखना रखना, लेकिन अच्छा नाम रखना अगर नहीं आया तो, लेकिन अगर नहीं आता तो जो भी नाम रखोगे अच्छा नाम रखना बस, ठीक है ना, और कुछ नहीं। डन सारे बच्चे? तो ये बन गया, तो ये बन गया बच्चा आपका, बन गया हमने किया क्या बोलते हैं एल्डोल वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं, कॉमन नेम बताना, क्या नाम बच्चा, कॉमन नेम। देखो मैंने क्या बोलो, अगर आपका बेंजीन में बेंजीन है और कार्बन एक हाइड्रोजन है, तो इससे हम क्या बोलें बच्चों, हम इससे बोलेंगे बेंजाल, जैसे हम बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड, जैसे हम बोलते हैं ये ना, ये आपका बेंजाल्डिहाइड है, तो नाम क्या है? ये नाम आता है बच्चों बेंजाल आता है, क्यों आता है बच्चों, बिकॉज बेंजीन पे सीएच है, कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो आपका बेंजाल होगा। और ये पार्ट क्या बच्चों, ये पूरा पार्ट क्या है, ये आपका फिनाइल है, सीओ क्या बना, ये होगा आपका एसिटोफिनोन, तो नाम आ गया बेंजाल एसिटोफिनोन। यस सर, इसका नाम आ गया सर, पीडीएफ में लिख देना बेंजाल एसिटोफिनोन। हां लिखा तो है ना? अच्छा लिखा है, लिखा है, हां नाम लिखा है बेंजाल एसिटोफिनोन लिखा है, ठीक है ना। सब पा रहे बच्चों सबको अच्छे से? डन ना? यस सर, यस हां जी सर। अब देखो अब ये आता बच्चों, आता है कैनिजरो। अब बच्चा कैनिजरो बहुत इजी है, कैनिजरो बच्चों ये भी दो बोल दो, इसमें कॉमन क्या दो बोल देता हूं। पहला पार्ट के बच्चों, ये जो कैनिजरो बच्चों, ये खाली आपका ये जो कैनिजरो, ये खाली आपका एल्डिहाइड में लागू होगा, कीटोन में लागू नहीं होगा, जो कैनिजरो है वो खाली आपका एल्डिहाइड के एप्लीकेबल होगा। और इसमें क्या होता बच्चों, इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, दैट इज नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें आपका यहाँ पे इसमें एब्सेंट होता है, यह पहला पॉइंट। और आपको दूसरा पॉइंट, यहाँ पे अल्फा एब्सेंट होता है। अब सिंपल दो, ये क्या बच्चों, ये आपका एल्डिहाइड सी एच है, अल्फा कार्बन होगा तभी तो अल्फा हाइड्रोजन ना, दो सिंपल से ना, पप्पा होगा तभी तो बेटा होगा ना, या लड़की होगी, है कि नहीं, पेरेंट्स नहीं है तो बच्चा कैसे होगा? अगर आपका अल्फा कार्बन है तभी आपका अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है, अगर आपका अल्फा कार्बन है तो आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं। तो बच्चों यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, और हम क्या लेते बच्चों, हम क्या इसमें क्या लेते हैं, हम इसमें आपका टू मोल लेते हैं। होता क्या बच्चों, अगेन बेस लेंगे, देखो दो मोल लिया बच्चा, दो मोल लिया, एक कार्बन को आपको बनाना है अल्कोहल, एक को आपको सॉल्ट बनाना है, दैट इज सी डबल ओन माइनस बनाना है। अब जैसे इसकी बात करते हैं, ये आपके ये पार्ट है बच्चों, ये आपका ये वाला पार्ट है, मैं दिखाता हूँ ध्यान से, ये आपका एच सी एच ओ है, इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड या तो मिथेनॉल इसका नाम है। अब क्या हो चुका, आपको वहां पे एक कार्बन का बना अल्कोहल, दो मोल लेंगे तो क्या बच्चों, ये बना आपका कार्बन, ये पहला कार्बन है, इसका आपको बना अल्कोहल, तो यहाँ पे डाल दो OH, डाल दो और बाकी कार्बन को बैलेंस कर दो, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, तो क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका मिथेनॉल। अब आपका दूसरा कार्बन है, जो आपका दूसरा, उसमें क्या करना है बच्चों, उसमें आपको करना है, आपको वहां पे सॉल्ट बनाना है, आपको बनाना है सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव, राइट। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन बताओ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो क्या बना, ये बन गया आपका सॉल्ट। देखो यहाँ पे आपका लिखा है, यहाँ पे लिखा है KOH, अगर आपका K प्लस बना होगा तो ये जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और आपने यहाँ पे लिया NA, तो क्या बने बच्चों, ये आपका बनेगा
एन यहाँ पे आ जाएगा। तो जितना भी कार्बन बच्चों एक कार्बन पे आपको OH डालना है और एक कार्बन पे आपको एक कार्बन पे आपको बनाना है सॉल्ट, एक में सॉल्ट बनाना है, एक में आपको अल्कोहल बनाना है, इतना ध्यान रखना है। अब देखो जैसे आपका है बेंजल डिहाइड है, अब बच्चा बेंजल डिहाइड में आपका अल्फा कार्बन है ही नहीं, अब बोलो उसे कैसे पता चला? अब देखो बताता हूं, ये आपका बेंजीन रिंग है, ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ये बेंजल डिहाइड है, तो ये फंक्शन पर तो क्या ये क्या हो चुका, ये होगा आपका होगा ये होगा आपका अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन लेके आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये देखो सिंपल से देखो याद हो कुछ, ये कार्बन है। अब देखो कार्बन, दो कार्बन का ये पहला बॉन्ड बना, ये दूसरा बॉन्ड बना, और यहाँ पे दो डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आपका दो बॉन्ड, तो कितने बच्चों कार्बन का चार बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यस, तो बेंजाल्डिहाइड में आपका अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है ही नहीं। बेस ला बच्चों, बेस एरिया, ये आपका बनेगा Na प्लस OH माइनस, आपको मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं बिकॉज आपका टेस्ट में मैकेनिज्म दिया नहीं, लेकिन मैंने आपके रेफरेंस में इसका मैकेनिज्म ऐड कर दिया है, आपको समझ नहीं, लेकिन वो भी बता दूंगा आपको, सिंपल है, हार्ड नहीं है। मैंने क्या बोला बच्चों, एक कार्बन का बना अल्कोहल, दूसरे का सॉल्ट बना, दो या पहले बना बेंजीन, यहाँ पे एक कार्बन लिखो, पहले कार्बन क्या बनाना बच्चों, पहले कार्बन बनाना आपका अल्कोहल, यहाँ पे OH डाल दो, अब कार्बन बैलेंस फुल करना पड़ेगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, तो ये बन गया आपका बेंजाइल अल्कोहल, ये बन गया आपका बेंजाइल अल्कोहल बन गया। फिर क्या बोला बच्चों मैंने, दूसरा जो कार्बन को उसका सॉल्ट बनाना है, या बेंजीन बनाओ, कार्बन लिखो उसका सॉल्ट, सॉल्ट कैसे होगा बच्चों, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, क्या था बच्चों आप, क्या था यहाँ पे Na प्लस था, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये आपका बन गया सॉल्ट। इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है बच्चों, याद रखो ये वाला पार्ट, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर आपका एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, उस समय क्या बोलेंगे बच्चों हम, उससे बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन, जहां पर दोनों चीज हो रहा होगा। ये देखो ये आपका आईएमई पार्ट है, इसको बच्चों ध्यान से नोट डाउन, इसको बच्चा आप ध्यान से नोट डाउन करना। डन सारे बच्चे? लिख लो बच्चों। Yes, तो आप क्या बोलो तो क्या बच्चों, वन मॉलिक्यूल जो आपके एक अल्कोहल होगा, एक आपका रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, दूसरा आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिल का सॉल्ट में, प्लस सॉल्ट बनेगा एल्डिहाइड, एक आपका एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक आपका रिड्यूस हो रहा है, जो आपका जिसका रिडक्शन हो रहा है वो आपका अल्कोहल बना रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो आपका सॉल्ट बना रहा है, ये ध्यान रखना। और हमने बच्चा ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है CHO, यहाँ पे करता हूँ मैं रिडक्शन करता हूँ तो बनेगा अल्कोहल, अगर मैं एल्डिहाइड करता हूँ ऑक्सीडेशन तो क्या बने बच्चों, बनेगा तो वहां बनता मेरा एसिड बनता है। आप एसिड के लिए किसका एसिड बच्चों, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, इतना ध्यान रखना है। समझ में आ रहा बच्चों? हाँ या ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चे? बहुत ज्यादा। यस सर। अब देखो बच्चा एक घंटा भी हो गया हमको पता भी नहीं चला कि एक घंटा हो गया, ठीक है ना? तो इससे बोलो बच्चों ध्यान से पढ़ोगे तो टाइम जाएगा पता नहीं चलेगा, आपको समझ में आना चाहिए। हमने यहाँ पे कैनिजोल पढ़ा और हमने एल्डोल पढ़ा, क्रॉसल पढ़ा। अब देखो ये इसका मैकेनिज्म है, टाइम अभी है नहीं लेकिन फिर मैं आपको बता दूंगा, सिंपल। देखो
यहाँ पे आपका जो बेस होगा ओच मजी आपका क्या हो, ये आपका न्यूक्लियोफाइल जैसा हो बनेगा, ठीक है ना, ये आपका ओ नेगेटिव बना, सी पॉजिटिव बना, यहाँ पे आपका ओच बना, अब आपका हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, कोई बात नहीं, इसका मैं आपको बता दूंगा, ये भी सिंपल रिएक्शन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो एक एक क्या बना, एक आपका सॉल्ट बना, एक आपका सॉल्ट बना, एक आपका अल्कोहल बना, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैनिजर में आपका दो चीज होता है, एक होता है रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन। जिसका रिडक्शन होगा वो अल्कोहल बनाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो आपका सॉल्ट बनाएगा। ऐसे बच्चा आपको समझना है। आ रहे सबको अच्छो, हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो बच्चों ये आपका केनिजोर है। अब देखो, अब ये क्या बच्चों, ये आपका क्रॉस केनिजोर है, ये आपका क्रॉस केनिजोर है। अब ये बच्चा, ये आपका आईएमपीएस को नोट डाउन करना, यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड है, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, दोनों में आपका अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। बेस लिया बच्चों, तो बेस लिया। आप यहाँ पे बच्चों, जो आपका बेंजाल्डिहाइड है इसका आपका बना अल्कोहल, मतलब बच्चों जो आपका बेंजाल्डिहाइड वो उसका होगा, उसका हुआ रिडक्शन, एक बेंजाल का रिडक्शन हुआ, मतलब बेंजाल रिडक्शन हुआ, और जो फॉर्मल्डिहाइड उससे क्या हुआ बच्चों, उसका हो गया ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है बच्चों, ये आपको समझना है, ये आपको समझना है, ये बच्चा आपको समझना है। और ये बच्चा, ये आपका आईएम, ये आपका आईएम रिएक्शन है, इसको बच्चा ध्यान नोट डाउन करना, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इसको आप बच्चा प्रॉपरली ध्यान से समझना। अगर मैं बेंजल लेता हूं और मैं आपका पर, हाँ बोलो या मैं नहीं, बोलो बच्चा। हाँ, तो देखो यहाँ पे देखो लिखा है इसका आंसर, इन क्रॉस केनिजोर रिएक्शन बच्चों मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज, जो आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो आपका लेस रिएक्टिव होगा आपका उसका रिडक्शन होगा। अब ये पार्ट बच्चा, ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका बेंजाल्डिहाइड है, ये आपका SCOH है ना, ये आपका ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज मिथेनॉल, इसका हो गया रिडक्शन, तो बन सॉरी इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ऐसा मैं क्या बोल रहा, जो जो आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, और जो लेस रिएक्टिव होगा बच्चों उसका होगा रिडक्शन होगा। तो मैंने यहाँ बच्चे उल्टा बोल दिया मैंने यहाँ पे, तो बच्चों ये पॉइंट भी, इसको भी बच्चा आपने नोट डाउन करना, इसको भी आप बच्चा नोट डाउन कर लेना प्रॉपरली। समझ में आ रहा बच्चों, हाँ या ना? हाँ जी सर, ठीक है, ये आपको समझ, ये बच्चा आपको समझना प्रॉपरली। अब देखो ये पार्ट हो गया बच्चा, अब देखो ये बच्चा आपको क्वेश्चन दिया था एग्जाम में, अब देखो ये आपको रिएक्शन है, देखो पूरे या पूरा आपका रिएक्शन है। अब देखो यहां पे लिखा है मिथेनॉल, मिथेनॉल क्या होता है बच्चों, ये होता है SCHO, ये मिथेनॉल है, तो इससे क्या होगा, इसका होगा ये आपका कैनिजरो बनेगा, ये आपका कैनिजरो बनेगा, राइट बच्चा, हाँ है ना, बनेगा ना? यस सर। 2-methylpentanol, तो पता नहीं है बनाना पड़ेगा सर, पेंट में 5 carbon, 1, 2, 3, 4, 5, 2-methyl है, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया H, राइट, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड OH, ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो क्या बना होगा बच्चों, इसका होगा एल्डोल, ये आपका एल्डोल बनाएगा। बेंजाल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा कैनिजारो, ये आपका कैनिजारो बनाएगा, राइट बच्चा, हाँ है ना? यस अब देखो, अब बोला है, एक बार बताओगे सेकंड वाला एल्डोल क्यों बनाएगा? देखो ये पार्ट है ना, ये मैं क्या बना बच्चों बनाया, ये मैंने बना दिया, ये मैं क्या बना बच्चों, ये मैंने बनाया 2-methylpentanol, राइट, हाँ है ना?
राइट। अब ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका अल्फा कार्बन है। अगर आपका अल्फा कार्बन तो क्या यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। अगर आपका अल्फा हाइड्रोजन है तो वो क्या बना, वो आपका एल्डोल बना गया। सिंपल बेस बेस आप क्या बेस आपका यहाँ से एच प्लस निकलेगा, ये नेगेटिव होगा बनेगा सिंपल ऐसा। यस सर। तो ये आपका यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बेंजल में बच्चों केनेजो बनेगा, ये आपका है बेंजोफिनोन। अब बच्चों किन बच्चों को बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर पता है? तो बेंजोफिनोन ऐसा होता है, यहाँ पे फिनाइल रिंग आएगा, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे पीएच आएगा। तो क्या बच्चों ये आपको कुछ भी नहीं करेगा, ना ये केनेजो देगा ना ये आपका एल्डोल करेगा, ये आपको दोनों नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों बच्चों के? ये आपका आंसर आपको खुद से करना, ये आपको खुद से बताना, या बेंजोफिन क्या कहता है वो आपको बताना पड़ेगा। ये क्या कहता है, ये आपका एल्डोल नहीं करेगा बच्चों, यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है दोनों पे, राइट बच्चा? हाँ है ना, है कि नहीं? यस यस सर। यस सर। अब देखो ये आपका है साइक्लोहेक्सिनोन, तो ये फिफ्थ वाला पार्ट है, ये ऐसा होगा बच्चों, ये साइक्लोहेक्सिन है, यहाँ पे आपको डाल दिया डबल बॉन्ड। अब देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका अल्फा कार्बन है और यहाँ पे भी आपका अल्फा कार्बन है, और दो यहाँ पे, दो यहाँ पे आपका दो एच है, यहाँ पे भी आपका दो एच है, तो यहाँ बच्चों कितना अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका चार अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका एल्डोल, ये आपका एल्डोल बनाएगा। इसका रेशियो देखो, इसका रेशियो भी प्रैक्टिस करना, ये आपका एल्डोल बनाएगा। सिस्टर बच्चों क्या नाम है, इसका नाम है वन फिनाइल प्रोपिनॉन। तो कैसा होगा बच्चों, ये होगा, ये आप बनाओ बेंजीन रिंग वन पे, डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, ये बन गया वन फिनाइल प्रोपिनॉन, एक दो और यहाँ पे तीन, वन पे फिनाइल है, तो ये आपका वन फिनाइल। तो ये क्या बच्चों, ये आपका है प्रोपियोफिनॉन, राइट बच्चा? अब ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका अल्फा कार्बन है और आपका यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये आपका एल्डोल देगा, ये आपका एल्डोल देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? यस या नो? यस सर। अब देखो, यस सर। अब यहाँ पे बोला सेवंथ, सेवंथ क्या बोला बच्चों, सेवंथ बोला है फिनाइल, अब बोला बच्चों फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है बच्चों, जहां पे आपका दो कार्बन होता है ना, एसिटाल्डिहाइड ये होता ना, ये आपका एसिटाल्डिहाइड होता है बच्चा। अब बोला फिनाइल, तो क्या बच्चों का यहाँ पे लिखो टू और यहाँ पे लिख दो एक बेंजीन, तो क्या बना, ये बने आपका, ये क्या बना, ये बना आपका फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये आपका अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी आपका एल्डोल देगा। देखो बच्चो ऐसे आपको करना है एग्जाम में, आपको स्ट्रक्चर का आइडिया पता चल जाना चाहिए कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब ये आपका है ब्यूटेनॉल, ये तो अल्कोहल है ना, तो ये आपको कोई नहीं देगा, ना केनेजोल देगा ना कि आपका एल्डोल देगा, क्योंकि आपका ये आपका अल्कोहल है, ब्यूटेनॉल है, ये आपका अल्कोहल है, तो कुछ नहीं देगा। नाइन्थ क्या लिखे बच्चो, 2.2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल, तो एक दो तीन चार, ठीक है ना, डबल बॉन्ड हो एच, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, बताओ बच्चों क्या ये क्या ये एल्डोल देगा? हाँ या ना? नो सर। नो सर। तो ये आपका एल्डोल नहीं, यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हाँ तो क्या हो बच्चों, इससे क्या होगा, ये आपके क्या बना, ये आपका देगा केनिजारो, ये आपका केनिजारो बनाएगा। तो एक बनेगा अल्कोहल, एक बनेगा सॉल्ट, सिंपल। तो हमारे बच्चों हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो बच्चों आई होप आपको आज क्लास का मजा भी आया होगा, आपने प्रॉपरली समझा भी होगा, ठीक है ना, प्रॉपरली। एंड बच्चों ये आपका आई पार्ट है, एल्डोल क्रॉस एल्डोल केनिजारो, सारे बच्चे रिवाइज करना, ठीक है बच्चा?
एक बार क्वेश्चन वाला पार्ट निकालना बच्चा, अभी टाइम नहीं है, अभी मैं दूसरा क्लास भी ना है, तो बच्चा अभी है ना, आप इसको खुद, आप इसको खुद देखना बच्चा, मैं आपको है ना इसका सोल्यूशन भेज दूंगा, बिकॉज अभी आप, हमने इतना पढ़ लिया बच्चों कि आप है ना सोल्यूशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, तो मैं आपको इस चैप्टर पूरा सोल्यूशन भेज दूंगा आज, अभी भेज दूंगा, ठीक है, डन बच्चा, यस ओके, बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।